मैं मीडिया के भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आप अपने कीमती समय से निकाल के इधर आए। भाई आज स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि ह्यूमैनिटी इज अंडर अटैक, इंसानियत पे हमला हो रहा है और दुश्मन को हम देख नहीं सकते। सबसे पहले मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया करना चाहता हूं कि दो दिन पहले जब उन्होंने अपनी सुपुत्री को जम्मू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल कराया और हमारे कोरोना वॉरियर्स जो डॉक्टर्स स्टाफ हैं उनका मनोबल बढ़ाया। इन बातों से हमारे कोरोना वॉरियर्स और सक्षम होते हैं। आज के विषय पे आते हुए ईसो का चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज लीड ले, मगर वो दुकानों के मसलों में इतने उलझ गए कि एक लार्जर इशू जिसके लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बना है उस पर चुप्पी साधी। तो एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, फार्मा होलसेल के प्रेजिडेंट होने के नाते और फॉर्मर प्रेजिडेंट CCI होने के नाते मैं आज एक अपील करना चाहता हूँ। पहले तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के ट्रेडर्स, इंडस्ट्रियस्ट, होटलियर्स और ट्रांसपोर्टर्स को और आम आवाम को भी। पिछले साल लॉकडाउन में हमें भारी नुकसान हुआ फाइनेंशियल, उसकी भरपाई आज तक नहीं हुई, मगर मैं उनको एक बात कहना चाहता हूं, जिंदा रहेंगे तो फिर व्यापार कर लेंगे। आज जो स्थिति बड़े राज्यों में अक्रॉस इंडिया बनी हुई है, ये कोविड का जो स्ट्रेन आया है सेकंड वेव में, ये जानलेवा है। जम्मू प्रोविंस में जो खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर है और आने वाले दिनों में जो हम इस सर्ज को देख रहे हैं, हमारी तैयारी नहीं है इसको हैंडल करने की। मेरे भाइयों, हमारी यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन अकेला इसको हैंडल नहीं कर पाएगी, हम सबको मिलके सहयोग से इसको हैंडल करना है। तफसील मैंने प्रेस नोट में दी है। मेरी मेन डिमांड जो आदरणीय माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब से है कि ये डिसीजन का टाइम है। इस वक्त डिले हुई तो सदियां और इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। हमारी मेन डिमांड है कि आने वाले शनिवार की शाम से 7 दिन का लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन 7 दिन का करें। इसको जो चेन को ब्रेक करना उसके लिए ज़रूरी है। 3 दिन का समय मैं इसलिए मान रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन से हमने सीखा है, जो टूरिस्ट भाई इधर आए हुए हैं या लेबरर्स हैं, फिर एसेंशियल्स खरीदने हैं आम आदमी ने, उसके लिए 3 दिन दिए जाए। और हमने सुझाव बड़े अच्छे उनको बड़ा गंभीरता से सोच के दिए हैं कि लॉकडाउन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो प्रेस नोट में मैंने आपको दिया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे, इस पे देरी ना करें। और जो इंजीनियर्स हमारे जम्मू प्रोविंस के, जिनको काम दिया गया है, जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं हमारे पुंछ राजौरी से लेके डोडा भद्रवाह या कठुआ या जम्मू के, जो कुछ जनरेटर्स आए हैं जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने अनाउंसमेंट भी की थी, उनको वॉर फुटिंग पे इंस्टॉल कीजिए। ये याद रखिए कि आपके परिवार भी यहाँ के वासी हैं, ये ना हो कि हमें ऑक्सीजन के लिए भीख मांगनी पड़े। तो ये आपका दायित्व है, आपका इंसानी फर्ज है, इसको दिन रात लगा के वॉर फुटिंग पे कम्प्लीट कीजिए। थैंक यू। राकेश जी, आपने कहा कि 7 दिन का वीकली लॉकडाउन रखा, चैंबर ने कहा है कि 4 दिन को वर्किंग रखिए और 3 दिन का वीकली लॉकडाउन लीजिए। देखिए मुझे किसी की डिमांड क्या है, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उसमें जो सही स्टेप लिया जाना चाहिए, क्योंकि हम मेडिकल लाइन से हैं, हमें पता है क्या हालात बन रहे हैं, किस किस्म से कुछ दवाइयों के इंजेक्शनों के लिए पब्लिक दर बदर हो रही है। और हमने फैसला किया है कि हम ऐसे इंजेक्शन को बेच के व्यापार करके पैसा नहीं कमाएंगे, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होना चाहिए। एलोकेशन हो चुकी है केंद्र की तरफ से, हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट जाएगा, और जो आइटम्स की एलोकेशन नहीं हुई थी वो हमने प्रेस नोट में वाजे कर दिया है कि इन चीज़ों को भी ज़रूरत है जम्मू कश्मीर को, इनको भी एलोकेट करो, और हमें खुशी होगी कि वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को सप्लाई हो। हम इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते।